गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश वन चैप्टर थ्री वेटिंग फॉर गॉड, भगवान के लिए प्रतीक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर टू वेटिंग फॉर गॉड यानी भगवान के लिए प्रतीक्षा पढ़ा था। आज भी हम लोग वेटिंग फॉर गॉड का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हैव यू सीन गॉड इन अदर्स? क्या आपने दूसरों में भगवान को देखा है? आज इस क्लास में हम वही व्यक्ति आइवन के बारे में पढ़ेंगे जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है और पूरे परिवार मिलकर भगवान के आने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भगवान की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। अभी आइवन उस व्यक्ति को स्वीकार करता है या नहीं, हम इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। वेटिंग फॉर गॉड मीन्स भगवान के लिए प्रतीक्षा। सेकेंड पार्ट। आइवन एंड हिज फैमिली वेर एंशियसली वेटिंग फॉर गॉड्स प्रॉमिस्ड विजिट। द होल प्लेस वॉज स्पॉटलेसली क्लीन। He widened the footpath leading to the house. He spread clean sand on the footpath. His wife was busy preparing the best dishes possible. His children too were busy helping the parents. Ivan और उसके परिवार भगवान के किए हुए वादा के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पूरी जगह स्वच्छता पूर्वक साफ किया गया और घर की ओर चलने का रास्ता भी बड़ा किया गया। उसकी पत्नी ने अच्छा भोजन तैयारी करने में व्यस्त हो गई। उसके बच्चे भी अपने माता पिता को मदद कर रहे थे। नेक्स्ट। It was time for breakfast. A fine breakfast was prepared. The table was laid and food was kept on the table. They waited for a long time, but God did not come. Ivan said, "Maybe God will come for lunch." Again, the family was busy preparing lunch. Everything was ready by 12 o'clock noon. Once again, the table was laid and lunch kept ready. Hours passed, it was already 2 p.m. But there was no sign of God. Ivan was sad, but he still hoped. He told his wife, "I am sure God will come for supper." Ivan's wife now began preparing for supper. At 7 p.m., the table was laid and supper was kept ready. They lit the lamp and kept it on the table. To show God the way, they made a bonfire on the side of the footpath. The children waited outside feeding the fire with twigs and dry leaves. They expected him at any moment. जब नाश्ता का समय हुआ तो अच्छा नाश्ता भी तैयारी किया गया। मेज यानी टेबल भी लगाकर वहाँ खाना भी रखा गया। वे बहुत समय तक इंतजार किए, भगवान नहीं आए। फिर आइवन ने सोचा कि भगवान लंच के लिए आएंगे।
वे लंच भी तैयारी किए, सब कुछ 12 बजे तक रेडी हो गया था। फिर टेबल पर खाना परोसा गया। घंटों बीत गए, अभी 2 बजने वाला है और यहाँ भगवान का कोई चिन्ह नहीं। आइवन बहुत दुखी हो गया, लेकिन इंतजार करता रहा। वह अपनी पत्नी से बोला, जरूर भगवान रात का भोजन के लिए आएंगे। फिर आइवन की पत्नी रात का भोजन तैयारी करने लगी। 7 बजे टेबल में खाना रखा गया। वे एक कैंडल मतलब बत्ती भी जलाकर टेबल में रख दिए। भगवान की राह दिखाने वाले, भगवान को राह दिखाने के लिए उन्होंने घर के बाहर लकड़ी की आग भी जलाई, मतलब बोनफायर मतलब होलिका। तो घर के बाहर लकड़ी की आग भी जलाए, बच्चे भी बाहर में प्रतीक्षा करते हुए आग में लकड़ी और सूखी पत्तियां भी डालने लगे। वे किसी भी समय उसके आने की आशा में थे। एक्सपेक्टेड मतलब आशा करना। नेक्स्ट, आवर्स पास्ड बाय बट नो साइन ऑफ एनी विजिटर। इट वॉज गेटिंग डार्क। द चिल्ड्रन वेंट इनसाइड, दे क्लोज द डोर। आइवन सेड टू हिमसेल्फ, व्हाई इज गॉड सो लेट। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई गॉड वॉज डिलेइंग सो लॉन्ग। तो घंटों बीत गए, लेकिन किसी के आने का चिन्ह नहीं था। रात हो चला था, बच्चे अंदर चले गए, वे दरवाजा भी बंद कर दिए। आइवन बोल उठा, क्यों भगवान देरी कर रहा है। वह समझ नहीं सका कि क्यों भगवान इतना देरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे वर अबाउट टू बिगिन देयर सपर व्हेन दे हर्ड ए जेंटल नॉक। All jumped up and ran towards the door. At last, God has arrived, thought Ivan. He soon opened the door to welcome him. He was disappointed. In the place of God, he saw an old beggar asking for some food and shelter. Ivan wanted to send away the old man. He changed his mind and decided to receive him into his house. He took him in and gave him food and a bed to sleep. वे रात का भोजन शुरू ही करने वाले थे, तब वे धीमी आवाज से खटखटाते हुए एक आवाज सुनाई पड़ी। सब लोग उछल पड़े और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। आइवन सोचा, अंत में भगवान पहुंच गए हैं, अराइव्ड मतलब पहुंच गए हैं। वह तुरंत उसके स्वागत करने के लिए दरवाजा खोल दिए। वह निराश हो गया। वह भगवान की जगह एक बूढ़े भिखारी को देखते हैं, जो भोजन और आश्रय के लिए उनसे पूछ रहे हैं। तो आइवन उस बूढ़े व्यक्ति को भेजना चाहते थे। वह अपना मन बदल देता है और अपने घर में उनको स्वीकार कर लेते हैं। वह उसको अपने घर में बुलाने का निर्णय करते हैं और उसे भोजन और सोने के लिए बेड भी देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी फैमिली
कैसे ए बूढ़े भिखारी का स्वागत करते हैं और अपने घर में उनको भोजन खिलाते हैं। नेक्स्ट, आई वन सेड टू द मैन, वी आर ऑल वेटिंग फॉर ए वेरी इम्पोर्टेंट विजिटर, द टेबल इज केप्ट रेडी फॉर हिम, आई एम सॉरी आई हैव टू मेक यू स्लीप इन दैट कॉर्नर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सेड द ओल्ड मैन, देन आई शैल गो अवे जस्ट नाउ एंड स्लीप इन द मोनेस्ट्री नियर बाई, आफ्टर ईटिंग द फूड दैट दे गेव द ओल्ड मैन लेफ्ट द हाउस। तो आइवन उस व्यक्ति से बोलता है, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, यह टेबल उसके लिए तैयारी की गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उस कोने में सोने के लिए जगह दे रहा हूँ। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहता है, मैं आप लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं यहाँ के नज़दीक मठ में सोने के लिए चला जाऊँगा। खाने के बाद वह व्यक्ति घर छोड़ कर के चला जाता है। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड गॉड डिड नॉट कम व्हेन द ओल्ड मैन वॉज इन द हाउस, रिमार्क्ड आइवन टू हिज वाइफ, दे स्टिल वेटेड फॉर गॉड इवन दो इट वॉज मिड नाइट, वेन दे वेर अबाउट टू पुट बाई एवरीथिंग एंड गो टू स्लीप, आइवन हर्ड ए वॉइस, आइवन आई एम प्लेस्ड विथ यू, यू ट्रीटेड मी काइंडली वेन आई केम टू योर हाउस, आइवन वॉज सरप्राइज्ड, ही आस्क्ड लॉर्ड When did you come to my house? We waited for you the whole day. God replied, I was the old man who came to your house. When you received the old man, you received me. तो आइवन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, जब बूढ़े व्यक्ति घर में था भगवान नहीं आए, वे अब भी भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आधी रात में जब वे सब कुछ रख के सोने वाले ही थे, आइवन एक आवाज़ सुनी, आइवन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जब मैं तुम्हारे घर में आया तूने मुझ पर अपनी दया दिखाई, आइवन आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, वह भगवान से पूछता है, कब आप मेरे घर में आए, हम लोग पूरे दिन आपका इंतजार किए। भगवान उसे उत्तर देते हैं, गॉड रिप्लाइड, मैं वह बूढ़े व्यक्ति था जो तुम्हारे घर में आए, जब आपने बूढ़े व्यक्ति को स्वीकार किया तो तूने मुझको स्वीकार किया। लास्ट पैराग्राफ, आइवन कुड नॉट बिलीव इट, ही वॉज सॉरी दैट He failed to recognize God in the old man. He then decided to treat everyone, especially the poor, with kindness and respect. Ivan विश्वास भी नहीं कर सका, मुझे खेद है कि मैं भगवान को बूढ़े व्यक्ति में नहीं पहचान पाया। इस प्रकार आइवन प्रत्येक जन को विशेषकर गरीबों के प्रति दयालुता एवं आदर दिखाने का निर्णय लिया।
बच्चों, इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान की सेवा एवं पूजा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, विशेषकर गरीबों के प्रति दया दिखानी चाहिए, तभी भगवान हमारे कार्यों से खुश रहेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ, फर्स्ट एंशियसली मीन्स उत्सुकता से, सेकंड प्रॉमिस्ड मीन्स वादा, थर्ड स्पॉटलेसली मीन्स स्वच्छता पूर्वक, फोर्थ बोन फायर मीन्स अग्नि क्रीड़ा, फिफ्थ एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करना, सिक्स्थ डिलेइंग मीन्स देर करना, सेवेंथ अराइव्ड मीन्स पहुंच गया, एट्थ डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, नाइन्थ शेल्टर मीन्स आश्रय, टेंथ सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, इलेवेंथ रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, ट्वेल्थ काइंडनेस मीन्स दयालुता। नाउ वी शैल सी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, हाउ डिड आइवन प्रिपेयर फॉर गॉड्स विजिट? आइवन कैसे भगवान के आने की तैयारी की? आंसर, आइवन गॉट द होल प्लेस क्लीन्ड प्रॉपरली, ही वाइडन्ड द फुटपाथ एंड स्प्रेड सैंड ऑन इट, एंड हिज वाइफ वॉज बिजी प्रिपेयरिंग गुड डिशेस। आइवन पूरी जगह अच्छी तरह से साफ किया व रास्ता चौड़ा करके उसमें बालू भी लगा दिया और उसकी पत्नी अच्छा भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई। सेकंड, हु नॉक्ड एट द डोर एट मिडनाइट? कौन आधी रात में दरवाजा को खटखटाया? आंसर, एन ओल्ड मैन नॉक्ड एट द डोर एट मिडनाइट। एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजे को खटखटाया। थर्ड, व्हाई वॉज आइवन डिसअपॉइंटेड? आइवन क्यों निराश हो गया? आंसर, आइवन वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज इंस्टेड ऑफ गॉड ही सो एन ओल्ड बेगर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। आइवन निराश हो गया क्योंकि उसने एक बूढ़े भिखारी के को भगवान की जगह दरवाजा के सामने देखा। फोर्थ, व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क फॉर? बूढ़े व्यक्ति ने क्या पूछा? आंसर, द ओल्ड मैन आस्क फॉर सम फूड एंड शेल्टर। बूढ़े व्यक्ति कुछ भोजन और रहने के लिए आश्रय मांगा। फिफ्थ, व्हाट डिड द ओल्ड मैन लीव इमीडिएटली? क्या बूढ़े व्यक्ति तुरंत चला गया? आंसर, द ओल्ड मैन लेफ्ट इमीडिएटली बिकॉज आइवन टोल्ड हिम दैट दे वेर वेटिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट विजिटर। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत चला गया क्योंकि आइवन उसे बोला कि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिक्स्थ, व्हाई वॉज आइवन सॉरी एट द एंड? आइवन क्यों अंत में खेद हुआ? आंसर, आइवन वॉज सॉरी एट द एंड बिकॉज व्हेन गॉड टोल्ड आइवन दैट ही वॉज प्लीज्ड विद हिम, आइवन वॉज सरप्राइज्ड दैट ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज गॉड हु वॉज इन द फॉर्म ऑफ द ओल्ड मैन। आइवन को अंत में खेद होना पड़ा क्योंकि भगवान ने आइवन से कहा कि वह तुमसे बहुत खुश है। आइवन आश्चर्यचकित हो गया कि वह भगवान को पहचानने में असमर्थ रहा जो बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे। बच्चों, आप इस कठिन शब्दों और क्वेश्चन आंसर का अपने नोट में लिखें।
धन्यवाद।